जनपद शामली के कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह के निर्देश पर किसानों की 3 मांगों को लेकर आरएलडी कार्यकर्ता सदर विधायक प्रसन्न चौधरी, थाना भवन विधायक अशरफ अली के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। किसानों का बकाया भुगतान नहीं हो रहा। लगभग शामली शुगर मिल पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों का गन्ना बकाया भुगतान। किसानों के साथ सरकार वादा खिलाफी कर रही। दरअसल राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक दल के शामली सदर विधायक प्रसन्न चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोक दल जिंदाबाद के नारे, जयंत सिंह जिंदाबाद के नारे लगे। वहीं सदर विधायक प्रसन्न चौधरी का कहना है, पिछले सत्र का लगभग अब तक 100 करोड़ रुपए शुगर मिल पर बकाया, जो कि अभी तक नहीं किया गया, नहीं सरकार द्वारा पूरा सत्र जाने को है। अभी तक गन्ने का भाव भी तय नहीं किया गया। किसानों के साथ सरकार वादा खिलाफी कर रही। एक दिन का ये प्रदर्शन था। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 27 फरवरी को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह के निर्देश पर कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा। अगर फिर भी हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि संसद का घेराव भी करेंगे। यूपी में लगभग 21 शुगर मिले हैं, जिनका अभी तक पिछले सत्र का बकाया नहीं हुआ। पिछले 2 महीनों से किसान संदेश के अभियान के तहत किसान अपनी पीड़ा पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेज रहे थे। किसान बुरी तरह त्रस्त है, जब किसान 24 घंटे मेहनत कर बुग्गी भर शुगर मिल में डालता है अपना गन्ना, तो उसको ये नहीं पता होता गन्ना तो डाल रहा है उसका पेमेंट कब मिलेगा, कितना मिलेगा। किसान पत्र के जरिए अपनी समस्याएं लिख रहा था, लेकिन ये गूंगी सरकार नहीं जागी। राष्ट्रीय लोकदल ने ये निर्णय लिया। 7 फरवरी को सभी मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, प्रतिनिधि कलेक्टर प्रांगण में धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार की नीति किसानों को अब परेशान कर रही है, जिससे किसान काफी ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं। शामली से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। प्रदर्शन किया जा रहा, किन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा और कितने लोग किसान हैं? आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय लोकदल के राज्य अध्यक्ष के संदेश से पिछले 2 महीने से किसान संदेश अभियान के तहत किसान अपनी पीड़ा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से भेज रहे थे, लेकिन ऐसा महसूस हुआ, राष्ट्रीय लोकदल इस अभियान को चलाए हुए था, ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार गूंगी है, बहरी है, सरकार ना तो कुछ सुन रही है ना कुछ कर रही है, और किसान त्रस्त है, दुखी है। कितनी बड़ी विडंबना है कि आज 24 घंटे पूरे साल किसान अपना गन्ना पैदा करता है, और जब वो गन्ने की बुग्गी भर के मील में जाता है, पता चलता है कि उसे यही नहीं पता कि मुझे इस गन्ने का क्या मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, क्या भाव मिलेगा, और ये पेमेंट मुझे कम मिलेगी। इस अपनी विडंबना को कहने के लिए ये किसान सरकार को पत्र लिख रहा था, लेकिन पत्रों के माध्यम से शायद ये गूंगी सरकार नहीं जागी, तो इसलिए राष्ट्रीय लोकदल ने ये निर्णय लिया कि आज 7 फरवरी को सभी जिला मुख्यालय पर जिला अधिकारी के प्रांगण में और जिला अधिकारी के ऑफिस के सामने सभी किसान धरना प्रदर्शन करेंगे, और उसमें मुख्यतः 3-4 मांगे होंगी। पहली मांग, इस सत्र का भाव घोषित हो। दूसरी मांग, जो आवारा पशु हैं उनसे निजात मिले। और तीसरी मांग, जो पिछला सत्र है उसका पेमेंट सरकार कराए। विधायक जी, लगातार कई बार धरना प्रदर्शन हो चुके, लेकिन आपकी बातें नहीं मान रही है सरकार, इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हो। राष्ट्रीय लोकदल किसान का उत्पीड़न नहीं होने देगा, और जब तक ये सरकार नहीं मांगेगी मानेगी तब तक आंदोलन करते रहेंगे। अब ये आज 7 फरवरी है, अब हम अगली 27 फरवरी को, अभी इसे घोषणा कर रहे हैं, अगली 27 फरवरी को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के संदेश से हर कमिश्नरी पर प्रदेश की धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और यदि ये सरकार तब भी नहीं जागती तो फिर मार्च में आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। प्रदर्शन किया जा रहा, किन मुद्दों को लेकर किया जा रहा, क्या रणनीति रहेगी? देखो, ये जो है हमारा जो एक प्रोग्राम चल रहा है 1 महीने से, और इसमें जो है हमारी यही मांग है कि तो सबसे पहले तो गन्ने का भाव डिक्लेयर होना चाहिए, और जो पिछले साल का बकाया है वो मिलों के द्वारा जो है किसानों का जल्दी से जल्दी दिया जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी वैसी परिस्थितियां हैं। आप ये देखें, आधा सीजन से ज़्यादा बीत चुका है,
और उसके बाद भी ना तो अभी तक भाव डिक्लेयर है ना पिछले साल का क्लियर है, और बड़े बुरे हालात हैं इस छोटे से ज़िले में 3 मेलों पर। मैं समझता हूं कि आज भी जो पिछले साल का और इस साल का मिलाकर तकरीबन 700 करोड़ रुपया बकाया किसानों का होगा, और किसानों को जब ये पेमेंट नहीं मिलेगा तो बताइए किसान कहाँ जाएगा। किसान की हालत जो है बड़ी दयनीय है, वो अपने बच्चों की टाइम से शादियाँ नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही, बहुत अच्छे हालात नहीं हैं। तो अगर आज भी आपकी बातें मांगे नहीं मानी जाती हैं तो उसके बाद आगे की क्या रणनीति रहेगी और कब तक ये धरना चलेगा? देखो, आज तो हमारा ये जो है एक दिवसीय धरना यहाँ पर है, और इसके बाद में जो भी हाईकमान से हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी जो तय करेंगे और जिस तरीके के आगे की रणनीति बनेगी, हम उसी को जो है उसी का निर्वाह करेंगे। और सब लोग लग के आप देखें, आज भी जबकि शादियों का सीज़न है, इतनी व्यवस्था के बाद भी किसानों को खेत में काम है, मगर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कितनी बड़ी तादाद में आज यहाँ किसान आए हैं, आप ये समझ सकते हैं कि कितना पीड़ित इस वक्त किसान है, कितना परेशान है कि वो सब अपने काम और उसको छोड़कर और उसको ये धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को माने और उनका जो मांगे इस धरने में है उनका निस्तारण किया जाए। अब मीटर लगने जा रहे हैं ट्वेल्व पर, पीएससी बल साथ में है, विद्युत विभाग मीटर लगा रहा है, ज़बरदस्ती मीटर लगा रहा है, क्या कहना है? देखो, मीटर जो है बिल्कुल गलत है। मीटर लग के आज किसान जो है, वैसे ही आपको पता है कितना बिल जो है, कितना बकाया किसान गन्ना किसानों पर हैं, नलकूपों के कनेक्शन भी ये काटने इन्होंने शुरू कर दिए थे, अब जाकर रुके हैं। घरेलू उपभोक्ता जो हैं जिन पे 2000 रुपए का भी बिल है, उनके भी कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इस सरकार में, इस शासन में जो है, चाहे वो बिजली वाले हों, चाहे मिल वाले हों, चाहे और भी कोई इस तरह के लोग हों, सब जो है किसानों का, गरीबों का उत्पीड़न कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले 2024 में इसका जो है ये आपको जो है हमारे यहाँ बिल्कुल देखने को मिलेगा कि क्या हालात बनेंगे। आज भी हमारे ज़िले में तो तीनों सीटें जो है राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी के गठबंधन की हैं, और यही वजह है मैं समझता हूँ कि सरकार हम लोगों की सुनती नहीं। विधायक बनने के बाद में हमने हर बजट सेशन में जितने भी हमारे, चाहे वो बजट सेशन रहा हो, चाहे अनुपूरक बजट,